ठीक क्या नाम है बताएं। और हमारा नाम रशिंग है, मेरे कुछ अध्यक्ष हैं और यहाँ पर मैं कुछ अच्छों के धंधा प्रदर्शन हो रहा है। अभी हाल में एक जियो जारी हुआ है डीरेक के लिए, जिसमें फ्रेश वालों को प्रमोट कर दिया गया है। मैं कुछ अच्छों के लिए जो है कोई चार सौ नाम इससे 90,000 मैं कुछ अच्छों का भविष्य अंधकारमय है, जिसके लिए हम सब ने शिक्षा मंत्री आवास का घेराव किया, जहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज करके छात्र छात्राओं को गिरफ्तार करके इको गार्डन लाया गया है, जहाँ पर आज 6 दिनों से ज़्यादा हो गया। हमारी मांग शिक्षा विभाग से आला अधिकारी नहीं मान रहे हैं, और जब भी हम अपने जवाब पूछते हैं UGC गाइडलाइन के तहत हम अपनी जायज मांग रखते हैं और उनसे पूछते हैं कि UGC गाइडलाइन में साफ दिया गया बैक उच्च प्रमोट करने के लिए, तो इस तरह का जो है तानाशाही रवैया क्यों किया जा रहा है, तो इस पर कोई जवाब नहीं देते हैं और बात को शासन तक नहीं पहुंचाते हैं। हमने माननीय शिक्षा मंत्री जी को भी अवगत कराया, माननीय शिक्षा मंत्री जी भी इस जवाब को देने से बच रहे हैं। इस तरह से हम कहना चाहते हैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी से आपके मंच के माध्यम से कि 90,000 प्रशिक्षुओं का भविष्य अंधकारमय है। जो यहाँ 6 दिन से धरना चल रहा है, बहुत सारे प्रशिक्षुओं की तबीयत निरंतर बिगड़ती जा रही है, और अगर किसी को कुछ होता है इसके जिम्मेदार आप होंगे। ये जो बातचीत आप लोग ने बढ़ाई है जाते थे, तो वहाँ पे उनका क्या कहना है, कहते हैं आप लोग? जब हम वहाँ पे जाते हैं, हम अपनी मांग को रखते हैं, तो वो हमें आश्वस्त करते हैं, और आज वो 3 दिन से सुबह मांग पूरी होगी, दोपहर में मांग पूरी होगी, शाम को मांग पूरी होगी, इस तरह के आश्वासन वो देते हैं, लेकिन मांग पूरी होने की कहीं दूर दूर तक खबर नहीं है। अभी आज हमें 12 बजे कल ही अभी परसों मीटिंग हुई थी, उन्होंने मुझसे कहा था कि कल शिक्षा मंत्री आएंगे और आपको लिखित रूप से स्पष्ट कराया जाएगा। उनकी मांग के तहत हमने जो है उनका धैर्य शाम तक धैर्य रखा, लेकिन मांग पूरी नहीं हुई। फिर हमने कल फिर विभाग का शाम को बैठक हुई, जहाँ पर हमें कहा गया था कि आज 12 बजे तक आपको लिखित रूप से जियो जारी करने के लिए आदेश कर दिया जाएगा, लेकिन आज 12 क्या 2 बजने को कगार पे आ गए हैं, लेकिन जो है वही कोई मांग पूरी नहीं हुई है। प्रशिक्षुओं में उग्र भावना है और प्रशिक्षु बहुत दिन पे दिन लगातार तबीयत बिगड़ती जा रही है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आज 12 बजे मिल गया समय हुआ था आपसे बातचीत करने का, लेकिन बातचीत नहीं हुई है आप लोग से, और ऐसे आप 6 दिन से बैठे हुए हैं, तो ऐसे ही अगर रवैया चलता रहा तो आगे आप लोग का क्या? अब काफ़ी देर से लगातार रवैया चल रहा है, लेकिन अब हम सब ने एक निर्णय लिया है कि सरकार के कानों तक हमारी आवाज़ नहीं जाएगी। सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है, इसलिए अगर आज जल्द ही अब विधानसभा स्तर पर घेराव की तैयारी बनाई जा रही है, अगर मौका पड़ा तो मुख्यमंत्री आवास को भी घेरा जाएगा, क्योंकि 90,000 प्रशिक्षुओं का भविष्य अंधकार में होने नहीं दिया जाएगा। रजत भैया आप साथ में रहो, साथ में रहो, ले लीजिए इंटरव्यू। वहाँ तो कहाँ है ही नहीं, वहाँ पर वहाँ क्यों रखा? हेलो, मैं राकेश तिवारी, संयोजक की आवाज एक मिशन। आज ये जो इको गार्डन पे जो हमारे प्रदेश के नौजवान जो अपने भविष्य को लेकर के अंधकार में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और सरकार के तानाशाही रवैया के शिकार हो रहे हैं, मैं इस तानाशाही रवैया के खिलाफ, सरकार के खिलाफ इस संगठन का समर्थन करता हूँ, सहयोग करता हूँ। हमसे जहाँ तक होगा मैं इनकी लड़ाई लड़ने में भागीदार रहूँगा। जैसा कि ये लोग बता रहे हैं आपको, पिछले 6 दिन से उनके मतलब कि सरकार तक से कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो आश्वासन दिया जा रहा है और समय दिया जा रहा है कितने दिन, लेकिन कोई आके मिल नहीं रहा, तो परेशान हो, कुछ महिलाएं यहाँ पे बीमार भी पड़ गई हैं, तो इस पर आप कहते हैं सरकार से क्या मांग रखना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? आपको भी पता है कि मैं पिछले कई महीनों से संघर्षरत हूँ, इस सरकार में मांग करने वालों को क्या मिलता है? लाठी, जेल, इसके अलावा तो कुछ मिलता नहीं। सरकार के पास कोई काम नहीं है, केवल अगर कोई अपनी आवाज़ उठा रहा है उसको लाठी मार के दबा दो, उनकी मांग ना मानो, क्योंकि सरकार में जो भी लोग बैठे हैं बे औलाद बैठे हैं, उनको किसी की औलाद का दर्द नहीं है। जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी हम इनके साथ हैं। आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहेंगे कि बच्चों का भविष्य देखते हुए इनको प्रमोट किया जाए, जितने भी प्रशिक्षु हमारे DLED के बच्चे हैं सबको प्रमोट किया जाए, ये सब नौजवान हैं, ये हमारे कल को देश के भविष्य हैं, अपने माता पिता के वृद्धावस्था के लाठी हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमने यहाँ पे रजत सिंह जी से बात की, जो कि इसको फिर से मार देंगे ना, अब तुम बोल देना थोड़ा सा। रजत भैया बैठ जाइए, वहाँ सब लोग बैठ जाइए, सिर्फ उनको आश्वासन ही प्राप्त हो रहा है, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। कैमरामैन कहते हैं प्रिंस सिंह के साथ, मैं अनुराग चंद्र, सामाजिक प्रसन्न मिल।
बैठ जाओ, एक मिनट बैठ जाओ, एक मिनट के लिए बैठ जाओ, एक मिनट के लिए मात्र एक मिनट के लिए। सभी लोग अधिक से अधिक शेयर करते रहिए और अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाते रहिए, जिससे कि अधिक संख्या में कृषिक्षु पहुंच सके। और हमारा आदेश में भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। है इनके पास है तो नहीं नहीं वो भैया को चलो 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 कोई बात नहीं कोई बात नहीं सभी लोग बैठ जाए पहले दांतों का पर्चे में तो भैया बैठ जाए पहले पहले बैठ जाइए फिर बात बताइए। डीएलए डकता जिंदाबाद 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 डीएलए डकता जिंदाबाद 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 प्रतिचुक का प्रमोट करो प्रमोट करो प्रमोट करो प्रतिचुक का प्रमोट करो प्रमोट करो प्रमोट करो प्रतिचुक का प्रमोट करो प्रमोट करो प्रमोट करो शिक्षा मंत्री होश में आओ होश में आओ होश में आओ शिक्षा मंत्री होश में आओ होश में आओ होश में आओ शिक्षा मंत्री होश में आओ 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 बैक प्रतिचुक का प्रमोट करो प्रमोट करो प्रमोट करो बैक प्रतिचुक का प्रमोट करो प्रमोट करो प्रमोट करो डीएलए डकता जिंदाबाद 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 डीएलए डकता जिंदाबाद 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 बैक प्रतिचुक का प्रमोट करो 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 डीएलए डकता जिंदाबाद 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 शिक्षा मंत्री होश में आओ 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 शिक्षा मंत्री होश में आओ होश में आओ होश में आओ एक सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में शेयर करते रहिए और अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाते रहिए। सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में शेयर करते रहिए। खाना यार रखा है तबन रात वो तो कालीदास मार्ग नियुक्ति पत्र अभी है हाँ चले सब चलते हैं। देखो ऐसा नहीं एक एक करते लोगे तो निकल जाओगे और नहीं ऐसे यहाँ बैठे रहोगे तो वो निकलने नहीं देंगे। अगर एक आप बल्क में जाओगे तो निकलने नहीं लाइट चल रहा है लाइट चल रहा है यार लव ले भैया लाइट बंद कर दो।